भारतीय अभिनेता और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को फिर से मिली एक और बार धमकी। उसके चलते ही मुंबई पुलिस ने उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा के काफी लेयर्स फिर से एक और बार बढ़ा दिए हैं। पिछले साल नवंबर में उनको एक धमकी भरा लिखित पत्र मिला था, जहां उनके पिता सलमान खान जिस बेंच पर बांद्रा बैंडस्टैंड पर प्रोमेनाड पर बैठते हैं अपने मॉर्निंग वॉक के बाद, वहीं पर वो धमकी भरा पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि तुम्हारा फेट भी सिद्धू मूसेवाला जैसे ही होगा। और उस पे सिग्नेचर में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार के सिग्नेचर्स के बारे में लिखा गया था। लेकिन इस टाइम जो मार्च 18 को पिछले 2-3 दिनों में जो उनको धमकी भरा ईमेल आया, उसको लेकर उनके मैनेजर प्रशांत गुंजलकर ने एफआईआर कराई बांद्रा पुलिस स्टेशन में। और अगर आपको एक और बार फिर से नजरिया दिखा दे, बांद्रा बैंडस्टैंड का यहाँ पर है और हम गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बिल्कुल बाहर है, और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आज ज़्यादा फैंस भी नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस और उनके बॉडीगार्ड्स किसी फैंस को यहाँ खड़े नहीं रहने दे रहे, किस ये बिल्डिंग के साथ सेल्फी नहीं लेने दे रहे। जो लोग आते हैं उनको सलमान खान को देखना होता है या कम से कम इस गैलेक्सी के साथ फ़ोटो खिंचवानी होती है। अगर एक और बार आपको दिखा दे तो जो पहले माले पे ग्रिल लगी हुई है, वही सलमान खान का घर है जहाँ पर सारे सीसीटीवी कैमरास हैं। तो काफ़ी लोग आते हैं उनको देखने के लिए, लेकिन ये धमकी वाले ईमेल के बाद मुंबई पुलिस ने सबको यहाँ पर खड़े रहने से मना कर दिया है। हालांकि 3 लोगों का नाम इसमें बार बार आ रहा है, गोल्डी ब्रार, लॉरेंस बिश्नोई और गर्ग, रोहित गर्ग, जिन्होंने ईमेल भेजा था। उन्होंने कहा कि अगर सलमान खान माफ़ी मांगते हैं तो हम ये बात को यहीं पर जाने देंगे, इस टाइम हम लोग ने सिर्फ धमकी दी है, अगली टाइम धमकी का कोई समय नहीं होगा। तो आप कहीं ना कहीं गंभीरता का एक नज़रिया देख सकते हैं जिस तरह से ये ईमेल भेजा गया है। लेकिन मुंबई पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चिंता का कोई विषय नहीं है। कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।